नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। थंबनेल आपने देख लिया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में होने वाली धोखाधड़ी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और फ्यूचर में होने वाली किसी भी धोखाधड़ी के शिकार से आप लोग बच जाएंगे। दो दिन पहले किसी ने मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया, मैं नहीं जानता था कौन है। उसके बाद रैंडम नंबर से मुझे कॉल्स भी आई हैं और मुझे वहाँ से मैसेज भी आ रहे हैं। तो पूरा किस्सा मैं आपको समझाऊंगा वीडियो में। सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद आपसे कुछ पैसे मांगे जाते हैं या आपसे किसी भी प्रकार की नौकरी की धोखाधड़ी होती है, आप अप्लाई करते हैं वहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं होती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए मैंने पूरे पॉइंट्स बना के रख लिए हैं ताकि आपको एक एक चीज़ें अच्छे से समझा सकूं। जब भी आप किसी ग्रुप का पार्ट बनते हैं तो दो तरीकों से होता है, या तो आप खुद एंटर होते हैं। खुद एंटर होने का मतलब है कि आपको कोई रेफर करता है, या आप लिंक्डइन के थ्रू, या फिर फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या किसी भी इंफॉर्मेशन से किसी एक ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, या कोई अपने आप ही आपको ऐड कर लेता है। आप जानते भी नहीं कौन है पर किसी भी नंबर से आपके पास आता है कि आप इस ग्रुप में ऐड हो गए। तो इस दो तरीके से हम लोग ऐड होते हैं, जो कि कोई गलत बात नहीं है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब इन ग्रुप के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं, जो कि पोस्ट करते हैं, जो कि वैकेंसीज डालते हैं, दूसरा जो उन वैकेंसीज पे अप्लाई करते हैं। तो दो लोग हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, आप पोस्ट डालने वाले भी हो सकते हैं और उसमें अप्लाई करने वाले भी हो सकते हैं, ये चीज़ भी क्लियर है। अब इन ग्रुप्स को बनाता कौन है, यहाँ पे तीन तरीके के लोग हो सकते हैं जो कि इन ग्रुप्स को बनाते हैं। सबसे पहले ऑनर्स हो गए, कंपनी के रेस्टोरेंट्स के ऑनर होते हैं जो इन ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैन पावर उनको चाहिए होती है। अगर वो भी किसी कंसल्टेंसी के पास जाएंगे तो उनसे कोई चार्ज लेगा, तो यहाँ पर वो खुद ही कुछ ग्रुप्स क्रिएट कर देते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सअप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या फिर लिंक्डइन के थ्रू, और वहाँ पर वो लोग अपनी वैकेंसीज डालते हैं कि भाई मुझे फलाना फलाना जगह पे कॉमी की आवश्यकता है, मैं ये प्रोवाइड करूंगा। तो पहले ये लोग होते हैं और कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई भी ग्रुप क्रिएट कर सकता है। दूसरा, कुछ शेफ लोग, कुछ कंसल्टेंसी होती हैं जो कि ग्रुप्स ऐड करती हैं, ग्रुप्स बनाती हैं जिसमें कि वो अपनी वैकेंसीज पोस्ट करती हैं, या ये भी अलाउ करती है कि दूसरा बंदा भी कोई पोस्ट कर पाए। हर ग्रुप में यही होता है, कभी अलाउ भी किया जाता है, कभी एक सिंगल बंदा भी मैसेज सिर्फ डाल सकता है। तो यहाँ पे जो शेफ होते हैं और जो कंसल्टेंसी होती हैं सेम, वो भी यही काम करते हैं। तीसरा, यहाँ पे कुछ ऐसे शेफ लोग ही लगा लीजिए, या ऐसे कोई भी आप बोल सकते हैं कि जो जेन्युइनली आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं और ग्रुप्स बनाते हैं। इस तरीके के ग्रुप्स में कोई भी वैकेंसीज पोस्ट कर सकता है, पर इन तीनों में अगर आप देखेंगे, जैसे ऑनर्स है वो अपने पैसे बचाने की सोच रहे हैं, दूसरा जो मैंने कंसल्टेंसी की वो आप लोगों से यहाँ पे पैसे कमाने की सोच रहे हैं, ठीक है जी, अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो पैसे उनको भी मिलने चाहिए, जो सही है। इसके बाद जो हेल्प करना चाह रहे हैं तीसरे यहाँ पे कुछ ग्रुप्स बना के, वो लोग हैं। अब तीनों ही में अगर आप देखेंगे, आपके पास वैकेंसीज़ हैं, आपके पास पोस्ट है, और यहाँ पे है आपके पास ढेर सारा डेटा। डेटा का मतलब है यहाँ पे आपके नंबर है जो कि विजिबल होते हैं। अब इन नंबरों का फ़ायदा उठा के कुछ लोग, मैं यहाँ से वो कोई भी हो सकते हैं, यहाँ मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे को या जो कोई ग्रुप बनाते हैं उनको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, उनको मैं बुरा भला बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हम यहाँ पे उन नंबर्स को लेके आप लोगों को कॉल करते हैं। अभी परसों मेरे साथ यही हुआ, मेरा नंबर पता नहीं किसने कहां से ऐड किया, उसके बाद मुझे कॉल आया कि आपने जॉब के लिए अप्लाई करा है, आप इस ग्रुप का पार्ट है और आपको, हमें लगता है कि आपको नौकरी की आवश्यकता है। मैं सोच में पड़ गया, मैं यहाँ इतने लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, मुझे कौन नौकरी देने वाला आ गया। तब भी मैंने सोचा मुझे सुननी चाहिए इनकी बातें। इन्होंने बोला कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया था और आपको अभी नौकरी की आवश्यकता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इतना हम लोग चार्जेस लेते हैं, हम आपको आपका जो भी रिज्यूम होगा वो अलग अलग कंपनीज को भेजेंगे, अलग अलग 5-स्टार होटल्स को भेजेंगे, रेस्टोरेंट्स को भेजेंगे, और उसके बाद आपके इंटरव्यू करवा के आपकी जॉब हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने बात हुआ और उन्होंने मुझे कुछ अमाउंट वहाँ पर चार्ज करने की बोली कि हम लोग इतना चार्ज करते हैं। अब यहाँ पर मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया है, अब मेरे पास इस तरीके के कॉल्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पास अगर अननोन कॉल्स आ रहे हैं, अगर ग्रुप में आपके पास कोई वैकेंसीज आई, आपने अप्लाई करा, दैट इज़ ओके, आप उसी चीज़ के लिए वहाँ पे आए हैं, पर वहीं आपके नंबर पे कॉल करके कोई बोल रहा है कि आपको नौकरी की आवश्यकता है, हम ये सर्विस दे देंगे, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पे आपके डेटा को लेके उसे यूज़ किया जा रहा है। तो अगर आपके पास किसी भी प्रकार के इस तरीके से कॉल्स आ रहे हैं तो कभी भी उनको इंटरटेन मत कीजिएगा, वो कम्प्लीटली फ्रॉड हो सकते हैं। इवन कई बार मैं जब व्हाट्सएप पे वैकेंसीज डालता हूँ, मेरे व्हाट्सएप की वैकेंसीज के नंबर लेके, ऑनर्स के नंबर स्पेशली मैं डालता था पहले, आजकल मैंने अपने नंबर डालने शुरू कर दिए हैं, उन ऑनर्स के नंबर लेके ऑनर्स को कॉल किए जाते हैं कि हमारे पास जो बंदे हैं वो अवेलेबल हैं,
और आपको हमारे चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो जो कि गलत है। आप किसी और के नंबर्स यूज़ करके किसी और को यहाँ पे एक तरीके से गलत गलत चीज़ें दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के पास इस तरीके के आप ग्रुप्स में हैं तो प्लीज़ निकल जाइए। इवन अगर आप जिस भी ग्रुप का हिस्सा है, कौन वहाँ पे वैकेंसीज डाल रहा है, एटलीस्ट ये ज़रूर पता कीजिएगा कि वो कौन है। किसी भी अनजाने ग्रुप में शामिल मत हो जाइएगा। कोई भी ग्रुप बना रहा है, कोई भी उसमें ऐड हो जा रहा है, फिर कोई पोस्ट कर रहा है, फिर जब आप जाके वहाँ अप्लाई करते हैं तो आपको नो सुनने को मिलती है, फिर आप जाते हैं आपकी सैलरीज नहीं मिलती। वो सारी चीज़ें इसलिए ही होती है क्योंकि आप अननोन लोगों पर भरोसा करने लग जाते हो। तो अगर आप भी किसी ऐसे ग्रुप का पार्ट हैं तो ग्रुप से हटिएगा। अगर आपको इस तरीके से कोई भी नंबर्स आपके पे लेके आपको कॉल करता है तो उनको इंटरटेन करना बंद कीजिएगा। इवन अभी जैसे मेरी गल्फ़ की एक क्लास चल रही थी जिसमें कि मैं ये सारी डिस्कस कर रहा था, तो कई लोग तो ऐसे कि क्योंकि बोलते हैं कि मैं शिप का इंचार्ज, हो सकता है कि आपको आपके पास भी ऐसे मैसेज आएंगे कि मैं शिप का इंचार्ज हूँ और मैं शिप में नौकरी दिलाता हूँ और आप उसके कुछ डॉलर्स मांग रहे हैं। कोई कनाडा की वैकेंसी पोस्ट कर दे, कोई बोलता है उनका ऑफिस तो नोएडा में, तो भैया नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, मुश्किल तो नहीं है, आसान भी नहीं है, पर किस ढंग से मिलनी चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए। आपने देखा होगा जब भी मैं कोई वैकेंसी डालता हूँ, पोस्ट डालता हूँ, मैं अपना नंबर डालता हूँ या ऑनर का नंबर डालता हूँ, और मैं उन्हीं ऑनर्स के नंबर डालता हूं। आपने देखा कि मैं बहुत ही कम वैकेंसीज पोस्ट करता हूं और मैं उन्हीं लोगों की वैकेंसी पोस्ट करता हूं जो कि मेरे प्रोग्राम्स इनरोल करते हैं, क्योंकि मुझे उन पर विश्वास होता है, क्योंकि उन्होंने भी मुझे कुछ ना कुछ जो भी मेरे से कोर्सेज लिए हैं, मुझे प्रोग्राम्स लिए, उनके लिए उन्होंने पे किया होता है और मुझे उन पर यकीन होता है, तभी जाके मैं उनकी जो वैकेंसीज है पोस्ट करता हूं। नहीं तो अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि मैं फ्री में मैन पावर प्रोवाइड करता हूं तो यहां मेरे पास लाइन लग जाएगी कि हमारी वैकेंसी भी आप पोस्ट कर दो, हमें भी आप फ्री में मैन पावर दिला दो, और मैं वो नहीं चाहता क्योंकि वो गलत है। क्योंकि जो भी ऑनर अगर आप मैन पावर के लिए पैसा नहीं खर्च कर सकते तो वो आपको भी तनख्वाह देने में कहीं ना कहीं आनाकानी जरूर करेगा या बाद में आपको किसी भी प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा डिजिटल शेफ हब का मेरा प्लेटफॉर्म है, वहां पे एक जॉब्स का सेक्शन है, उसे जाके देखिएगा, वहां पे वैकेंसीज रहती हैं हमेशा अवेलेबल। वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना रिज्यूम वहां पे सेंड कर सकते हैं, ताकि जब भी मेरे पास वैकेंसीज होंगी, क्योंकि आपका रिज्यूम मेरे पास वहां से आ जाता है, और मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।